अक्सर ग्लोरी जो है जब किसी के साथ जुड़ जाती है तो वो ग्लोरीफाइड बन जाता है। तो ऐसा होता है कुछ इंडिविजुअल्स के साथ, कुछ सिचुएशंस के साथ, लेकिन कभी कभी इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा एफर्ट डालें एंड ट्राई टू टेक इट ऑन द पाथ ऑफ ग्लोरी, तो वो इंग्रेडिएंट भी बन जाता है ग्लोरीफाइड और उसके साथ बनने वाली रेसिपीज जो है वो हो जाती हैं एकदम उम्दा। मैं शेफ गौतम महर्षि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जिस इंग्रेडिएंट को हम ग्लोरी देकर ग्लोरीफाइड रेसिपीज बनाएंगे वो है राजमा। तो हम बनाएंगे इसी राजमा से एक बहुत ही प्यारा सा स्नैक जिसका नाम है राजमा पुपुसाज। एक पैन को गरम करके उसमें लेंगे ऑलिव ऑयल। तब तक आपको बता दूं कि मैंने राजमा यहाँ पर बॉईल करके उबाल के रखे हुए हैं। पैन जो है गरम हो रहा है, इसके अंदर ऑयल, इसके अंदर हम डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन, गार्लिक चॉप करते हैं। ऑयल गरम, इसके अंदर जाएगा ये गार्लिक, धीरे धीरे गार्लिक पकना शुरू होगा। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। गार्लिक को हल्का सा भून लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कलर भी आएगा तो ये अच्छा लगेगा। सबसे पहले 2 छोटे चम्मच जीरा, कश्मीरी मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच, पैप्रिका 1 छोटा चम्मच। सो कलर एंड स्पाइस दोनों के। पैप्रिका और हमारा जो कश्मीरी चिली पाउडर है गार्लिक के साथ अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए राजमा। तो यहाँ पर करीब 3/4 कप राजमा का हम इस्तेमाल करेंगे। आगे राजमा को अच्छे से स्पाइसेस के साथ मिक्स कर लेना है और साथ साथ थोड़ा मैश करते जाना है। और जैसे ही आप देखें कि राजमा जो है उनके ऊपर ये स्पाइसेस की कोटिंग आ गई है, इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पर आप चाहें तो वेजिटेबल स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ साथ कलर देने के लिए थोड़ा सा धनिया। आगे बनाना है एक डो। डो बनाने के लिए हमारे पास है कॉर्न मील। तो ये करीब 1 कप मकई का आटा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्ट स्वाद के अनुसार, ओके, मिला लेते हैं। बाइंडिंग जो है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैदा। सॉल्ट के बाद, मैदे के बाद इसमें पानी। तब तक एक बार धीरे धीरे पक रहा राजमा जो है उसे भी चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया राजमा और थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गया। अब आइए हमारा डो। कॉर्न या मकई की जो ग्रेन होती है वो इतनी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है कि वो पानी को ज़्यादा सोक कर लेती है, इसलिए धीरे धीरे डालें इसके अंदर और बहुत हल्के हाथों से इसे गूंथते जाएं। साथ में ही जब आप देखें कि हल्का ये क्रम्बली टेक्सचर आ गया, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने से हमारा डो जो है थोड़ा सा रिच हो जाएगा। अब डालेंगे इसमें पानी और इसे करेंगे फिनिश। धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएं और इसको गूंथते जाएं। थोड़ा सा डो जो है इस तरह इकट्ठा करेंगे और इसको 8 से 10 मिनट नॉक करके रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक फिनिश करेंगे हमारा राजमा। राजमा जो है करीब 5 मिनट और पकाएंगे, इससे इसका जितना लिक्विड है वो एकदम सोक होकर ये ड्राई हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा पकाते पकाते इस तरह प्रेस करते रहें ताकि राजमा जो है थोड़ा सा चॉप हो जाए। तो आप देखेंगे कि भाई राजमा एकदम ड्राई हो गए। राजमा की फिलिंग को निकालते हैं और इसको कर लेते हैं ठंडा। हमारी राजमा की जो फिलिंग है वो तो ठंडी हो रही है, अब इसको कैसे पकाएंगे, पैन में किस तरह से करते हैं तैयारी फिल करके पकाने की। डो लेते हैं चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। यहां पर चाहिए तो थोड़ी सी डस्टिंग ऑफ फ्लावर, छोटी छोटी गोलियां, गोलियां हाथ में लेके बेसिक फंडा जो है जो सेंटर है उसको थिक रखने का वो ये कि इसके ऊपर फिलिंग आएगी, तो फिलिंग जो है जब हम इसको पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए या बाहर नहीं आनी चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि पतली ये होती जाएगी और ऐसे बेंड होती जाएगी, विच मीन्स एकदम करेक्ट फॉर्मेशन में ये शेप ले रहा है। राजमा ठंडा होते ही ये डाला इसके अंदर। कभी कभी मेक्सिको के अंदर, पोर्चुगल के अंदर ये जो राजमा है इसकी जगह ब्लैक बीन्स का भी इस्तेमाल होता है। इस तरह इसको ऊपर खींचेंगे, खींचने के बाद इस तरह बंद,
इसके बाद एक चूटी मार के इसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम अलग कर लेंगे और इसको कर लेंगे हम इस तरह पतला। ये हुआ हमारा पुपुसा तैयार। आइए बाकी भी इसी तरह से कर लेते हैं तैयार। तो आइए पुपुसास तो हमने शेप देके तैयार कर ले, अब कर लेते हैं उनकी कुकिंग। पैन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप चाहें तो इनको डीप फ्राई कर सकते हैं, हम पका रहे हैं इनको ऑलिव ऑयल। पैन को कीजिए सीजन। तो हमारे पुपुसास ये गए यहां, अगर ऊपर एक्स्ट्रा जो है फ्लावर या कॉर्न मील लगा हुआ हो तो उसे हटा ले। आप देखेंगे कि एक तरफ से ये हार्ड हो जाएंगे, क्रिस्प हो जाएंगे और थोड़ा सा ये फ्लफ हो जाएंगे। देखिए हल्का हल्का कलर इन पे आना शुरू हो गया है, पलट देते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार है, दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ गया है। रेडी, अब आइए करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। तो लीजिए तैयार है हमारे पुपुसास, बहुत बढ़िया सिके, अच्छा सा फ्लेवर भी है, अच्छा सा इसका एक रीकैप भी है, देखिएगा जरूर। राजमा पुपुसास बनाने के लिए गरम पैन में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 3 से 4 बारीक कटी लहसुन की कलियां, 2 छोटे चम्मच जीरा, 2 छोटे चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच पेपरिका पाउडर, 3/4 कप बॉयल राजमा, 1 से 2 कप पानी और धनिये की पत्तियां डालकर मिक्स कर लें। एक बोल में 1 कप मकई का आटा, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच मैदा, 1/2 कप पानी और 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स करें। पानी डालते हुए डो तैयार करें। पैन में राजमा को मैश कर कुक करें और प्लेट में निकाल लें। डो को रोल कर पेड़े बनाएं और पुपुसास की शेप देकर मिक्सचर फिल करके सील करें। गरम पैन में 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर पुपुसास को लाइट ब्राउन होने तक कुक करें। पैन से पुपुसास को लेकर प्लेट में रखें। प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में पुपुसास लें और बॉयल्ड राजमा, पुदीने के पत्तों, नींबू स्लाइसेस और माइक्रोग्रीन से गार्निश कर सर्व करें। आपके राजमा पुपुसास तैयार हैं।